हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। और आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे ही होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस समर्स में, इस गर्मी में, इस मौसम में अच्छे रहना और हाइड्रेट रहना और एनर्जी के साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आप लोग अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए। और ये आज मैं जो भी, आज मेरा मन नहीं है कि मैं कोई भी आज आपके साथ कोई रेमेडी शेयर करूं या कुछ भी आपके साथ प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करूं। मेरा आज मन था कि मैं आप लोगों के साथ बातें करती हूं और थोड़े से टिप्स मैं हाउसवाइफ लोगों को दूंगी। जो हाउसवाइफ होती हैं घर में, वो बहुत ज़्यादा अपने फैमिली के लिए, अपने घर के लिए तो टाइम निकाल लेती हैं, हर काम कर लेती हैं, लेकिन अपने लिए, अपनी स्किन के लिए कोई भी काम वो नहीं करती हैं। मतलब उनको समय नहीं मिलता या वो सोचती हैं कि क्या करना है, चलिए छोड़िए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं स्पेशली सारी हाउसवाइफ्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को। हमेशा जब भी थोड़ा सा टाइम, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से अगर हम थोड़ा सा एक मिनट हम लोग अपने लिए निकाल लेंगे, आप अपने लिए निकाल लेंगी तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। और कुछ भी करें आप, थोड़ा सा आप अपना स्किन केयर कर लीजिए। आप अपने कुछ भी, जैसे सब्जी काट रहे हैं उस समय भी कुछ कर सकते हैं, या फिर आप खाना बना रहे हैं उस समय भी कुछ कर सकते हो। होम रेमेडीज़ कुछ भी आपके किचन में सब कुछ अवेलेबल होता है और आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं और अपनी स्किन को ग्लोई भी रख सकते हैं, हेल्दी भी रख सकते हैं और चमक तो आपकी रहेगी और सॉफ्ट सॉफ्ट भी बनी रहेगी आपकी स्किन हर वेदर में, हर मौसम में। तो इसीलिए मैं हाउसवाइफ के लिए कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना। तो जैसे ही अगर आप घर में खाना बना रही हैं, किचन में खाना बना रही हैं, तो थोड़ा सा आपके पास बेसन पड़ा हुआ है, जैसे बेसन तो रहता ही है किचन में, सभी लोगों के मोस्टली सारे घरों में, किचन में बेसन रहता ही है, तो उसको थोड़ा सा ले लीजिए अपने किसी भी कटोरी में ले लीजिए, बाउल में, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो कोई भी ऑयल मिला लीजिए, चाहे स्वीट आलमंड ऑयल मिला लीजिए या फिर ऑलिव ऑयल मिला लीजिए, कुछ भी मिला लीजिए, कोई भी ऑयल मिला के आप लगा सकते हो। या फिर आपके पास मिल्क है रहता है, मिल्क मिला लीजिए। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि रॉ मिल्क ही हो, आप रॉ मिल्क के अलावा आपका अगर बॉयल वाला मिल्क है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो और तुरंत अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए। बस जब तक आपका सब्जी या कुछ भी बन रहा है तब तक आप अप्लाई कीजिए और अपने फेस को हेल्दी रख सकते हो। और जब तक आपकी सब्जी बनेगी, जब तक आपके जो फेस पर जो आपने लगाया होगा वो भी लगा रहेगा, और जो भी सब्जी जो कुछ बना रहे हैं आप, तो उसका ऑयल भी आपके फेस पर नहीं आएगा, तो उससे भी आपकी जो स्किन है, फेस की, पूरी बॉडी की, वो स्किन भी बची रहेगी। आपकी स्किन बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी स्किन के ऊपर अगर ऑयल, जो खाने वाला ऑयल होता है, वो हमारे ऊपर आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि, और हमेशा हमेशा थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। सेकेंड रेमेडी ये है कि अगर आप लोग फल तो खाते ही हैं, सभी लोग फ्रूट्स तो खाते ही हैं, कोई भी हर सीजन में सभी लोग फ्रूट्स खाते हैं, चाहे हाउसवाइफ हो चाहे कोई भी हो। तो जो भी आप फ्रूट्स खा रहे हो, कोई भी फ्रूट्स खा रहे हैं, तो आप बस एक टुकड़ा, एक थोड़ा छोटा सा टुकड़ा आप रख लीजिए अपने पास में और बस उसको रब कर लीजिए अपने फेस पर, और जितना बचा है वो आप खा सकते हो। और रब करिए जब तक आप एक दो मिनट रब करके उसको छोड़ दीजिए, और अपना जब तक आप जो फल फ्रूट खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ जो भी फल या फ्रूट खा रहे हो, तो उसको खाते खाते आपकी जो स्किन पर, जो आपने फ्रूट का जूस अपनी स्किन पर लगाया है, वो भी सही रहेगा और आपकी स्किन हेल्दी भी हो जाएगी। और उसको जो ऊपर से मॉइस्चर मिलना होगा, ऊपर से जो स्किन को इफेक्ट चाहिए अच्छा, तो वो भी मिल जाएगा और इंटरनली तो मिलेगा ही। तो ये आपको छोटे छोटे से टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, तो आपको अपने
लाइफ में, डेली लाइफ में करते रहना चाहिए हमेशा। इस तरह के आप स्किन पर यूज करती रहेंगी तो आपकी ही स्किन हेल्दी और ग्लोई रहेगी, और आपकी स्किन की जितनी जल्दी आप स्किन का अगर ध्यान नहीं रखेंगी तो आपकी स्किन डल हो जाएगी, आपकी स्किन पर रिंकल्स आ जाएंगे, आपको पिगमेंटेशन हो जाएगी। इसलिए अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, ये सबको जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि अगर वो कोई नहीं रख रहा है तो हम नहीं रखेंगे ना, हम तो रखते हैं। वो कोई कह रहा है आपसे कि आप तो बहुत स्किन का ध्यान रखते हो और मैं तो नहीं रखती, मैं तो नहीं रखती। अरे नहीं रखती ठीक है, उनकी प्रॉब्लम है, आप तो रखिए, आपको रखना है आप रख लीजिए, उनको कोई जरूरी नहीं है। किसी के कहने पर नहीं जाना चाहिए। अपने स्किन के लिए, अपने खुद के लिए, अपनी अपनी खुशी के लिए आपको थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा होता है कि जब आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, आप अपने को शीशे में देखेंगी, मिरर में देखेंगी तो आप देखेंगी हाँ मेरी स्किन बहुत अच्छी है। क्योंकि देखिए समय कुछ समझ में नहीं आता है कि समय में क्या हो क्या नहीं हो, इसलिए अपनी स्किन का हेल्दी रखना। देखिए मेरी भी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी और ग्लो हमेशा करती है, क्योंकि मैं हमेशा बहुत सारा पानी पीती हूँ। कोई भी वेदर हो, किसी भी वेदर में हमेशा 2 लीटर पानी में पीती हूँ, 2-3 लीटर पानी में पी लेती हूँ मोस्टली। रोज दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी में पीती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं किसी फॉर्म में लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पानी ही लूँ, मैं जूसेस भी लेती हूँ, मैं लेमन लेमन डाल के भी लेती हूँ वाटर, और जो ग्रीन टी भी लेती हूँ, और जो नॉर्मल वाटर होता है वो तो हम लोग पीते ही हैं, और डिटॉक्स वाटर भी लेती हूँ मैं, और एप्पल साइडर विनेगर भी लेती हूँ मैं, जब मतलब जो मेरा मन होता है। फ्रूट फ्रूट के साथ जब हम कोई जूस बना लेते हैं तो वो भी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपनी स्किन को ग्लोई रखना चाहती हूँ, हेल्दी रखना चाहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी स्किन की केयर करना। तो अगर आपको भी स्किन का थोड़ा सा भी केयर अच्छा लगता है करना तो प्लीज़ करिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अपने स्किन पे कभी भी सोप मत इस्तेमाल कीजिए, हमेशा कोई भी जो भी आप फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहती हैं तो वो लगाइए। और जो कोई भी आप जैसे नहीं, कोई कुछ भी चीज़ नहीं, ना टोनर, टोनर से आपको मार्केट से नहीं खरीदना, कोई बात नहीं मत खरीदिए, लेकिन जो रोज़ आते हैं, जो जो आपके देसी गुलाब होते हैं वो ले लीजिए, या फिर मार्केट में जो गुलाब मिलते हैं वो तो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन उनके साथ आप तो एक दो रोज जो देसी गुलाब होते हैं ना वो वाले ले लीजिए, और उनका रोज वाटर बना लीजिए। उन सब का रोज वाटर बनाएंगे आप, और वो उसको आप अपने फेस पैक में या अपने ऐसे ही जब आप फेस वॉश करके आए तब आप लगाएंगे अपने फेस पर, तो आपका जो स्किन का पीएच लेवल होगा वो मेंटेन रहेगा, कभी भी खराब नहीं होगी आपकी स्किन, हमेशा 100% इफेक्ट करता है ये जो भी रोज वाटर आप बनाएंगे, क्योंकि आपका वो घर में बनाया है, नॉर्मल बनाया है, नॉर्मल चीजें जो चीज बनती है, जो अच्छी हेल्दी चीजें रहती हैं, नेचुरल वाली चीजें होती हैं, वो आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करती हैं, अच्छा रहता है, हेल्दी भी रहती है। तो फ्रेंड्स मैंने इतने सारे आपको टिप्स दे दिए हैं, ट्रिक्स दे दिए हैं, अगर आपको थोड़े भी हेल्पफुल लगते हैं ये टिप्स जो मैंने दिए हैं, और आप लोग अगर अभी तक फॉलो नहीं करते थे तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, और अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करेंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। जो भी नए लोग आए हैं, जो भी नया मेरे वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड कलर का जो स्पेलिंग होती है, बटन होता है, वो आप हिट करेंगे तो उसके बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन भी हिट कर दीजिए, और जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आपके पास पहुँच जाएगा। तो अपनी स्किन का केयर कीजिए, हेल्दी रखिए अपनी स्किन, बालों को हेल्दी रखिए, केयर कीजिए, चाहे किसी भी वेदर, कोई भी वेदर हो, आपकी स्किन पर इफेक्ट, बुरा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा ग्लो और खुश रहिए। खुश रहेंगे, हेल्दी खाएंगे, हेल्दी फूड लेंगे, हेल्दी अच्छे अच्छी बातें सोचेंगे, अच्छा अच्छा सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, कभी भी बुरा नहीं होगा गाइस। आप कभी भी कुछ भी निगेटिव बातों को इग्नोर ही इग्नोर करना है, कभी भी किसी बात को, हाँ कभी कभी होता है कि इग्नोर नहीं कर पाते हैं, कुछ कुछ बातें हो जाती हैं ऐसी, मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है,
लेकिन इग्नोर नहीं करेंगे, अगर उसी बातों में उलझे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आगे बढ़ना है तो इग्नोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं, घरों में होती हैं, बाहर वाले भी कष्ट करते हैं, तो इग्नोर कीजिए। इग्नोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इग्नोर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और इग्नोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमेशा कोई भी बात अगर आपको बुरी लगती है तो उसको छोड़ दीजिए, उनके पास बैठे ही मत कि ये तो हमेशा नेगेटिवली बातें करते हैं तो हमें इनके साथ रहना ही नहीं। उनको उनको भूल ही जाइए, उनको छोड़ ही दीजिए। तो अच्छे अच्छे लोगों का साथ, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ बात कीजिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए। टीवी में, मोबाइल्स में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आजकल हैं, हर जगह आजकल टीवी में भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छी, कुछ सीरियल्स बहुत ही अच्छे होते हैं जो कि मोटिवेट करते हैं, और कुछ मोबाइल में भी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ चैनल्स हैं जो बहुत ही अच्छे मोटिवेशन भी होते हैं। अगर आप स्किन का ध्यान रखते हैं तो स्किन से रिलेटेड, अपनी बॉडी से रिलेटेड कोई भी चैनल आप देख सकते हो, जिसका अच्छा लगता है उसका देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे कह रही हूँ तो मेरा ही देखें, आपको अच्छा लगे तो आप मेरा भी देख सकते हो। आपको पसंद आती है मेरी बातें तो अच्छा है, और नहीं पसंद आती तो आपके ऊपर है। मैं इसके लिए किसी को भी फोर्स नहीं कर सकती हूँ, किसी से भी जबरदस्ती मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने मन के लिए और अपने जो मेरी इच्छा है मैं उसको पूरा कर रही हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा भी मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, बस इतना ही मेरे मुझे कहना है। और मैंने गिव अवे रखा था अपने चैनल पर, लेकिन आप लोगों ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मैं नई हूँ, मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नया है उसको भी आपको सपोर्ट करना चाहिए, और जो पुराने हैं तो मैं ये नहीं कहती, मैंने पहले वाले वीडियोज़ में भी यही कहा है कि जो पुराने जो और नए जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनका भी साथ दीजिए, उनको भी देखिए, लेकिन जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको भी आप मोटिवेट कीजिए, उनके साथ भी रहिए, उनकी भी बातों को सुनिए, उनको भी ऑब्जर्व कीजिए, उनकी भी बातों को समझिए। कुछ वो भी शायद कुछ कुछ अच्छी चीज़ें ही बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस जो पुराने यूट्यूबर्स हैं जो कि आगे बढ़ चुके हैं, पहले के यूट्यूबर्स हैं, तो वही लोग अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको भी देखिए, और जो नए आए हैं तो उनको भी सपोर्ट कीजिए, बहुत ही अच्छी बात होती है। तो आप लोगों का साथ रहना और मुझे अपने काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और जितने, मैं अपने लिए ही नहीं कह रही हूँ ये बात, मैं सभी लोगों के लिए कह रही हूँ, जो भी न्यू यूट्यूबर्स हैं उन लोगों का भी सपोर्ट कीजिए। सभी लोगों का सपोर्ट रहेगा, एक दूसरे के साथ रहेंगे। फीमेल्स हमेशा दूसरों के उसमें रहती हैं कि नहीं उसका अच्छा ना हो, उसका अच्छा ना हो, उसका अच्छा ना, ऐसा नहीं नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। हमेशा जब कोई भी मेल हो, फीमेल हो, मेल्स कभी भी इस तरह की नहीं सोच रखते हैं, लेकिन फीमेल्स में ये होती है कि वो उसका नहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं उसका ऐसा नहीं कर सकती, कुछ अच्छा नहीं सोचते, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। सबको अच्छी सोच के साथ, अच्छे पॉजिटिव रहकर, पॉजिटिव वे में हमेशा लीजिए, हर बात को पॉजिटिव लीजिए। कोई निगेटिव अगर आपसे कोई बात करता है तो उस चीज़ को छोड़ ही दीजिए, और नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसको ये जाने दीजिए, यार ठीक है हो गया, कह दिया उसने, ठीक है सुन लिया, इतना कह के बस हट जाइए। तो इतना ही मेरा कहना है, मैं यही कह रही हूँ, अगर गिव अवे में आप लोग मेरे साथ रहेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे और गिव अवे में हिस्सा लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैंने कितने दिन पहले कह दिया है कि गिव अवे अनाउंसमेंट कर दिया है मैंने, मैं जुलाई में उसका अनाउंस करूंगी। जो भी जीतेगा, जो मुझे फॉलो करेगा, मुझे फेसबुक पर, इंस्टा पर, मेरे वीडियोस को फॉलो करेगा, मुझे मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और मेरे वीडियोस जितने भी हैं सभी देखिए, और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगी, रिव्यूज़ भी करूंगी। लेकिन अभी जो भी है, मैं ब्लॉग्स भी आप लोगों के लिए बनाऊंगी, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताते ही नहीं है कि मैं किस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। आप लोग नहीं बताते हो तो मैं अपने मन से भी बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए हर किसी की, ऐसा नहीं है कि मैंने एक एक फेस पैक बना दिया, एक चीज बॉडी
बॉडी के लिए कुछ पॉलिशिंग बता दिया तो बस उसी सभी की बॉडी के लिए सूटेबल है। नहीं, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर सभी की बॉडी अलग अलग तरह की होती, अलग अलग होती है हर चीज़। जो किसी की बॉडी पर कोई सी चीज़ सूट करती है, किसी की बॉडी पर कोई अलग चीज़ सूट करती है। कोई किसी की बॉडी सेंसिटिव होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, तो उसी हिसाब से मुझे फेस पैक या बॉडी पैक या फिर आई पैक्स होते हैं जो मुझे बनाने पड़ते हैं। मैं अलग अलग तरह से बनाती हूँ। और समर्स के लिए मैंने कितना अच्छा, एक बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग, जो हमेशा बाहर जाते हैं तो उनके लिए कितना अच्छा, मैंने एक इतना अच्छा फेस पैक मैंने कल आपको मैंने बताया है, जो मैंने कल पोस्ट किया है, वो बहुत ही अच्छा फेस पैक है। आप लोग उसको जरूर एक बार तो इस्तेमाल करके देखिए और उसको यूज करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। जो भी मेरे वीडियोस हैं उन पर आप कमेंट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने कमेंट नहीं पढ़ने, मैं कमेंट आप करेंगे तो मैं कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा बात हो गई है, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है वीडियो। तो प्लीज़ हाउसवाइफ जितनी भी हैं, जो भी हैं, अपना स्किन का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का तो ध्यान रखते ही है। सभी लोग, सारी हाउसवाइफ अपनी फैमिली का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालिए। अच्छे से रहिए, खुश रहिए और हैप्पी रहेंगी। आप हैप्पी रहेंगी तो आपका घर हमेशा हैप्पी रहेगा, आपके घर वाले हैप्पी रहेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स हैप्पी रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बात हो गई, अब ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। तो अगर आप लोग गिव अवे में साथ रहना है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस में कमेंट कीजिए, मेरे वीडियोस देखिए। और किस तरह के आप वीडियोस देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके बताइए। और जो लोग नया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बाय। मैं फेसबुक पर भी हूँ और इंस्टा पर भी हूँ, तो मुझे वहाँ पर भी आप देख सकते हो। बाय फ्रेंड्स, बाय।